अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मज़ेदार सा क्रिस्पी एग पराठा रेडी करेंगे, जो बहुत ही मज़े का, ये देख सकते हैं आप कैसे क्रिस्प है। और चलें व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। तो आधा किलो के करीब मैंने आटा लिया है यहाँ पर, और छान लिया था मैंने तो। और इसमें अब ऐड करेंगे हम नमक। नमक हम आधा चाय का चम्मच ऐड करेंगे, और इसको और इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। आप घी भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया हमने। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ऑयल को। ऑयल अच्छे से मिक्स करेंगे, इसको हम मसल मसल के मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं आप किनारों से भी, ये जो ऑयल साइड पर गिर गया था यहाँ पर, तो इसको अच्छे से हम, ये देखें, मसल मसल के मिक्स कर लिया। और इसमें अब हम नीम गरम पानी के साथ इसको गूंदेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, तो अब पूरा ही ऐड कर देंगे तो इसमें और भी जाएगा पानी। तो इसकी हम पहले इस पानी की डो बना लेंगे। ये थोड़ा सा बच गया था, तो इसमें भी हम अब इसकी भी डो बना लेंगे। तो नॉर्मल आपने आटा गूंदें अगर, तो इसी तरीके से आप आटा गूंदा करें। बहुत ही सॉफ्ट आटा गूंदता है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें, इस तरह की डो हमने रेडी करनी है। तो इसको हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे हाथों में, और इसको हमने अब रेस्ट के लिए रख देना है 2 मिनट के लिए, फिर गूंदेंगे इसको। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, ये चेक कर सकते हैं आप। अब इसको हम पानी लगा लिया था हाथों में, तो अब हम इसको गूंदेंगे। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से, ये देखें सॉफ्ट कितना है। तो यहाँ पर हमने आटे को गूंद लेना है। तो जिस मेरी बहनों को आटा गूंदना नहीं आता, इस तरीके से वो आटा गूंदें, नमक थोड़ा सा कम डाल लें और थोड़ा सा ऑयल डाल के गूंदा करें। बहुत ही अच्छा सा गूंदता है आटा, नॉर्मल जो रोटियाँ बनानी हों। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर हम रख देंगे इसको थोड़ा सा रेस्ट के लिए, जब तक हम एग की फिलिंग रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए थोड़ी सी 3 अदद अंडे चाहिए, थोड़ी सी हल्दी चाहिए, और पिसी हुई लाल मिर्च चाहिए जायके के मुताबिक। और यहाँ पर ज़ीरा है, और यहाँ पर नमक है, और यहाँ पर अदरक है, और हरी मिर्च है, और धनिया है हमारे पास। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। एग को हम पहले बॉल में निकाल लेंगे, तो 1 बाय 1 करके हम निकाल लेंगे। हमने अच्छे से इसको चेक करके डालना है, कहीं अंडे ख़राब तो नहीं। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमने कर लिया, और यहाँ पर सारे हम ऐड कर देंगे स्पाइस, और ये हरी मिर्च और अदरक चॉप किया हुआ, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और 1 टेबलस्पून धनिया यहाँ पर, और इसको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो यहाँ पर माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप, ये हैंड बीटर है, इससे आप कुछ भी बीट कर लें तो बहुत अच्छे से बीट होता है। या तो हम बीट कर लेते हैं अच्छे से इसको, तो देखते हैं आटा भी वहाँ पे हमारा रेस्ट के लिए जो रखा था रेडी हो चुका है माशाल्लाह। ये देख सकते हैं आप, ये देखें टेक्सचर चेक करें आप माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आटा गूंदा गया है। तो यहाँ पर हम बना लेंगे, जितने हमने पराठे बनाने हैं उतने हम पेड़े बना लेंगे। तो हमने 6 पेड़े बनाने हैं, तो यहाँ पर अच्छे से आपने बना लेना है पेड़ा। ऐसे ही हम सारे रेडी कर लेंगे। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पर हमने रेडी कर लिए माशाल्लाह से। तो यहाँ पर ये हम एक पेड़ा उठाएंगे, और इसको हम खुश्क आटे में करके इसको हथेलियों के साथ प्रेस करेंगे, फिर दोबारा से खुश्का लगाएंगे। तो यहाँ पर हम रख के यहाँ पर बेल देंगे, और हमने अच्छे से इसको बेल देना है। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं कितना आटा कितना सॉफ्ट है, और कैसे रोटी फैल गई है। इसके ऊपर हम लगाएंगे ब्रश की मदद से घी, आप हाथों की मदद से, चम्मच की मदद से, जैसे आप लगाना चाहे। तो घी ज़रूर लगाया करें, इससे बहुत अच्छा पराठा रेडी होता है। यहाँ पर हम इसके ऊपर खुश्क आटा छिड़केंगे, और इसको हम रोल करेंगे, थोड़ा थोड़ा पकड़ के हम रोल करेंगे इसको। तो यहाँ पर व्यूअर्स, ये हमने कर लिया रोल, और इसको हम सीधा करके रख कर इसको हम प्रेस करेंगे दोबारा से। इसके ऊपर दोबारा से हम घी लगाएंगे, और यहाँ पर खुश्क आटा भी थोड़ा सा हम छिड़केंगे। तो यहाँ पर खुश्क आटा भी छिड़क लिया, तो अब हम बना लेंगे इसको, उठा के इसको रोल करेंगे। ये देख सकते हैं आप,
तो माशाल्लाह से ये देखें, आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप पूरा ये फॉलो किया करें और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखें माशाल्लाह, इसको कवर कर लेना है आपने, तो हल्का सा प्रेस करके पेड़े को आपने रख देना है। तो यहाँ पर दूसरे वाले भी रेडी कर लेंगे, तो ये हमने सारे पेड़े रेडी कर लिए। तो चलें व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक पेड़ा उठाएंगे इसको, जैसे हमने लास्ट रेसिपी में लच्छे पराठे की डाली थी, तो जैसे हमने इसको खींच खींच के बड़ा करना है, इसको प्रेस नहीं करना, हमने खींच खींच के बड़ा करना है यूँ करके। ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह से यहाँ पर आप उठाएँ कि हम, तो उठा कर हम डालेंगे तवे पर। तो ये देखें, इसको सीधा कर लें, तो यहाँ पर ये देखें माशाल्लाह से, और एक साइड से पका के दूसरी साइड टर्न कर लेंगे माशाल्लाह से। तो ये तो थोड़ी सी साइड दूसरी भी पका के, तो हम ये देखें इसको अंडे को मिक्स करके हमने दूसरी साइड चेंज करके इस अंडे को इसके ऊपर लगा देना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेज़ा लेके इसको फैला देना है पूरे पराठे पे। बहुत मज़े का क्रिस्पी पराठा बनता है, ये ज़रूर ट्राई कीजिए, ख़ुद खाएं, छोटों को खिलाएं, बड़ों को खिलाएं, और नाश्ते में ये हेल्थी नाश्ता है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इस साइड पर थोड़ा सा लगाएंगे हम घी चम्मच की मदद से। आपको दिखाने का मकसद ये है कि चम्मच से भी लगा सकते हैं, हाथों से भी लगा सकते हैं, और ब्रश की मदद से भी। तो इसको अब टर्न करेंगे हम, तो क्योंकि दूसरी साइड पे भी माशाल्लाह से एग आधा पक गया है, तो हमने इसको चेंज कर लेनी है साइड इसकी। तो ये साइड हमने पका लेनी है, फिर इधर भी हमने इसके ऊपर भी हम घी लगाएंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, तो ये देखें घी लगा लिया हमने इसके ऊपर भी। तो हमने प्रेस करते करते इसको नीचे वाली साइड पका लेनी है। तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे माशाल्लाह से, एक साइड पक चुकी है, इसको ये देखें हमने यूँ कर लिया तवे को पकड़ के। तो अब साइड चेंज करेंगे माशाल्लाह, ये देखें ये साइड पक चुकी है। अब दूसरी साइड भी हम अच्छे से प्रेस करते हुए पका लेंगे। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं लुक, सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है इसका, गोल्डन। और ऐसे ही हम दूसरे पराठे भी बना लेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर हम ये वाला पराठा रोल करके बनाएंगे, मींस के सॉरी इसको हम बेल के बनाएंगे। दिखाने का मकसद ये है कि इसको बेल के भी बना सकते हैं, और जैसा पहले बनाया वैसे भी इसको हम बेल के बनाएंगे। ये देखें, क्योंकि ये लच्छे हैं तो ये खुल जाते हैं, इसको ध्यान से करना है हमने, ये टेंशन नहीं लेनी, अगर ये खुल भी गया तो टेंशन नहीं लेनी। इसको डालकर इसको आपने थोड़ा सा प्रेस करके हमने बंद कर लिया। तो ये साइड चेंज करेंगे, तो ये देखें माशाल्लाह से। तो फिर दोबारा से हम ये साइड, दूसरी साइड जब चेंज करेंगे तो उस पे लगाएंगे एग, पहले लगाएंगे हम इसके ऊपर घी, तो फिर लगाएंगे इसके ऊपर हम अंडे वाला अमेज़ा। जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर फिर लगाएंगे और इसको हम अच्छे से फैला देंगे, और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है इसका, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से ये पक रहा है। तो माशाल्लाह से ये देखें, इसको हम प्रेस कर लिए, देखें ये देखें लच्छे खुल गए ना, ये आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें इसके सारे लच्छे खुल गए। तो माशाल्लाह से ऐसे ही क्रिस्प आता है इस पर। इसको चेंज कर लेंगे और इधर भी थोड़ा सा घी लगाएंगे। तो व्यूअर्स, मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो माशाल्लाह से इस साइड पे भी हम घी लगाएंगे, तो इसको चेंज कर लेंगे, दूसरी साइड पक चुकी है माशाल्लाह, ये भी साइड पका लेंगे हम, और ऐसे ही सारे पराठे रेडी कर लेंगे हम। तो जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से यहाँ पर हम प्रेस लाजमी करना है इसको, ताकि कच्चा ना रह जाए।
तो सारे व्यूवर्स यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट पराठे कर लिए हैं रेडी, तो मिलते हैं आपको डिश आउट करके। यहाँ पर व्यूवर्स माशाल्लाह से सारे पराठे बन गए हैं, ये आप देख सकते हैं। आपको मैं इसका क्रिस्पीपन चेक करवाऊंगी, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और चाय के साथ खाएं या सालन के साथ खाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।